हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन डोगरा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम करियर मंत्रा में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको करियर या उससे रिलेटेड हर छोटी बड़ी बात की जानकारी देने की कोशिश करते हैं, जिसे जानना आपके लिए ज़रूरी होता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे किस तरह से स्कूल अच्छी एजुकेशन के साथ साथ और भी एक्टिविटी देते हैं, जिससे किस तरह से बच्चों का करियर के प्रति रुझान बढ़ता है। टिप्स में है खास पेरेंट्स के लिए कि कैसे वो अपने बच्चों को और बेहतरीन परवरिश दें, और करियर काउंसलर देंगे आपके सवालों के जवाब। फ्रेंड्स, आज के इस कंपटीशन भरे जमाने में हर किसी में प्रेशर बढ़ गया है, चाहे बच्चे हों या बड़े। खासकर बच्चों में पढ़ाई को लेकर आज बहुत ऐसे स्कूल खुल चुके हैं जो अपने यहाँ अच्छी एजुकेशन के अलावा और भी एक्टिविटी करवाते हैं, और कैसे ये बच्चों के करियर बनाने में मददगार साबित होते हैं। चाहे आप इंजीनियर, डॉक्टर, कोई फिल्म डायरेक्टर, पायलट या फिर वकील या किसी और फील्ड में अपना करियर बनाना चाहें, तो उसके लिए सबसे अहम है एजुकेशन। एजुकेशन हमें हमारा करियर बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाती है, और एक अच्छा करियर बनाने के लिए आजकल एजुकेशन के साथ साथ अदर एक्टिविटीज में भी बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना बेहद जरूरी है। वैसे तो करियर की सबसे पहली सीढ़ी है स्कूल। ये कहना गलत नहीं होगा कि जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल में कदम रखता है, भले ही स्कूल में कदम रखते वक्त उसके कदम लड़खड़ाते हों, लेकिन सब जानते हैं कि उसके करियर का निर्माण तभी से शुरू हो जाता है। ये वो बच्चे हैं जो आगे चलकर हमारे देश और समाज का अपनी एजुकेशन से और अच्छा विकास कर सकते हैं। इसीलिए आज देश भर में ऐसे स्कूल्स खुल चुके हैं जो अपने यहाँ बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने के अलावा अदर एक्टिविटीज और इन्फॉर्मेशन के बारे में भी बताते हैं। इन्हीं में से एक है जीडी गोयनका स्कूल। यहाँ पर बच्चों को काफी सही ढंग से पढ़ाई करवाई जाती है, और यहाँ के प्रिंसिपल और टीचर्स ये जानते हैं कि बच्चों का करियर बनाने में उनके स्कूल और टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। यहाँ के टीचर्स बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अच्छे शिष्टाचार भी सिखाते हैं, जिससे वो आगे चलकर एक अच्छे इंसान भी बन सके। जीडी गोयनका स्कूल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल वे ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स व्हिच वी हैव बीन हैविंग ऑल दीज इयर्स इन द जनरेशंस व्हिच वी वर आल्सो अ स्टूडेंट आवरसेल्व्स। हियर द चिल्ड्रन आर एक्सपोज्ड टू न्यू मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशन। इट इज अवे फ्रॉम द चॉक एंड टॉक सिस्टम which was earlier used. We have interactive boards. The children are hands down with whatever they are learning in school by the teachers. इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाया तो जाता ही है, साथ ही साथ इस स्कूल में सुविधाएं भी काफी अच्छी हैं। अगर हम बात करें अदर करिकुलम एक्टिविटीज की, तो जीडी गोयनका स्कूल में बच्चों को म्यूजिक और स्पोर्ट्स के साथ साथ बहुत सी सुविधाएं दी जाती हैं, जिससे यहां पर बच्चों को पढ़ाई के साथ और भी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का मौका मिल सके। इन सब में से अहम बात यह है कि इन सब से बच्चों को पढ़ाई में काफी मदद मिलती है, जिससे उनका भविष्य में अच्छा करियर बनता है। A lot of facilities are provided to the children. We have a number of indoor and outdoor games, sports activities. We also have a lot of club activities, whether it includes debate club, whether it includes environmental club,
whether it includes their painting, the dancing, the music. जब हमने बच्चों से पूछा कि आगे चलकर वो भविष्य में क्या बनेंगे, तो उनका कहना था, I have a dream to go to NASA and touch the stars, and I am sure that GD Goenka Ghaziabad will provide me this opportunity. Sir, I want to become a tile specialist doctor. मेरा ड्रीम है कि मैं USA में जाऊं और GD Goenka की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करूं। मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। My dream is to become a journalist. My dream is to be a IAS officer. I want to become a Paris fashion designer. यूं कहना गलत नहीं होगा कि स्कूलिंग हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है जो हमारे पूरे करियर और व्यक्तित्व का लेखा जोखा तय करती है। प्ले स्कूल हो या फिर कोई कॉलेज, इंस्टीट्यूट, जो भी सब्जेक्ट या स्कूल हम चुनते हैं वो हमारे फ्यूचर और करियर के लिए सबसे जरूरी होता है। इसीलिए जब भी आप स्कूल में जाएं तो वहां पर पढ़ाई के साथ साथ अदर करिकुलम एक्टिविटीज में भी हिस्सा जरूर लेना चाहिए ताकि हमारे व्यक्तित्व का पूर्ण निर्माण हो सके। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये सेगमेंट काफी पसंद आया होगा। अब समय हो गया है करियर इन्फॉर्मेशन का, तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास है इस बार करियर इन्फॉर्मेशन में आपके लिए। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80E के संशोधन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी वित्तीय संस्थान या मान्यता प्राप्त चैरिटेबल संस्थान से अपनी या अपने परिजन की हायर स्टडी जारी रखने के लिए कोई लोन लेता है तो ब्याज भुगतान के मद में डिडक्शन का फायदा मिलता है। संशोधन के तहत शिक्षा के सभी क्षेत्रों वोकेशनल कोर्सेज समेत इस सेक्शन के दायरे में लाया गया है, जबकि पहले हायर स्टडीज के दायरे में इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैनेजमेंट में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की फुल टाइम स्टडी को माना जाता है। पढ़ाई के लिए बैंकों द्वारा दिए जाने वाला लोन ये भी देखता है कि अगर कोई छात्र पढ़ाई में तेज है मगर पेरेंट्स की लोन चुकाने की क्षमता ना भी हो तो भी लोन मंजूर किया जाता है। माना जाता है कि कोर्स पूरा होने और जॉब लगने के बाद स्टूडेंट खुद लोन वापस करने में सक्षम होगा। यही सोचकर लोन वापसी के लिए लंबी समय अवधि निर्धारित की जाती है। उम्मीद करते हैं आपको करियर इन्फॉर्मेशन से काफी फायदा होगा। दोस्तों, अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई अपना सुझाव आप हमें देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें ईमेल या फिर SMS कर सकते हैं। बस क्या करना है आपको, हमारा प्रोग्राम करियर मंत्र आपको देखते रहना है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे। ब्रेक के बाद जानेंगे क्या कुछ खास है इंटरव्यू टिप्स में आपके लिए, और उसके बाद करियर काउंसलर देंगे आपके सवालों के जवाब। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए करियर मंत्रा।